दोस्तों, गुजरे जमाने के सितारों का सफर जारी है और इस सफर में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में लगभग अपना आधे से ज्यादा जीवन समर्पित कर दिया। करीब 6 दशकों तक उसने अपने चाहने वालों का मनोरंजन किया। फिर चाहे शुरुआती करियर के दौरान एक बोल्ड अदाकारी के रूप में या फिर करियर के आखिरी दौर में माँ, चाची और दादी के रूप में, उसने सभी किरदारों से दर्शकों के बीच नाम कमाया और अपने आखिरी सांस तक फिल्मों में अभिनय करते नजर आईं। आज हम बात कर रहे हैं 50, 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री दीना पाठक के बारे में, जिन्होंने अपनी काबिलियत और लगन के दम पर फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया। बस फर्क इतना सा रहा कि वो मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाईं और एक सहायक अभिनेत्री के रूप में सिमट कर रह गईं। लेकिन बतौर सहायक अभिनेत्री वो किसी भी अदाकारा से कम नहीं थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, व्यक्तिगत जीवन और फिल्मी करियर से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 4 मार्च साल 1922 को बड़ौदा राज्य के अमरेली में ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनका वास्तविक नाम दीना गांधी है। वो एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज के दौरान वो स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रिय रहती थी, जिसके चलते उन्हें उनके कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्हें मजबूरन दूसरे कॉलेज से बीए का ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना पड़ा। ये बात आज़ादी के पहले की है, जिसका जिक्र उन्होंने साल 1979 में फिल्म फेयर के एक पत्रिका में किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय की तरफ रहा। आगे चलकर उन्होंने रसिकलाल पारिक से अभिनय सीखा, जबकि शांति वर्धन से नृत्य सीखा और फिर कम उम्र में ही वो एक अभिनेत्री के रूप में भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच से जुड़ गईं। उन्होंने गुजराती थिएटर नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1940 में जब वो गुजरात में नाटकों से जुड़ी थी, तो उस समय दर्शकों के बीच उनका बहुत क्रेज था। उनके अभिनय को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। कहा जाता है कि गुजराती नाटक मैना गुजरी में उनके अभिनय को देखने के लिए दर्शकों की लंबी कतार लग गई थी। उनकी दोनों बहनों ने नाटक में अभिनय के दौरान उनका भरपूर साथ दिया था। साल 1948 में आई एक गुजराती फिल्म करियावर से उन्होंने अपने अभिनय करियर का शुरुआत किया। उस फिल्म में वो राजू की भूमिका में नजर आईं, लेकिन शायद उन्हें नाटक जैसा माहौल इस फिल्म में अभिनय करके नहीं मिला, इसलिए वो वापस थिएटर नाटकों में जुड़ गईं। खैर, उन्होंने फिल्मों में वापस आने के लिए काफी लंबा समय लगाया और इतने बड़े अंतराल के बाद आखिरकार साल 1966 में वो बसु चटर्जी की एक हिंदी भाषा की फिल्म में नजर आईं, जिसका शीर्षक था उसकी कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये उनकी पहली हिंदी भाषा की फिल्म थी जिसमें वो अभिनय करते नजर आईं और यहीं से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ, जो उनके आखिरी सांस तक चला। उनके अभिनय को दर्शकों के साथ साथ फिल्मकारों को इतना पसंद आया कि साल 1969 में उनकी बैक टू बैक 4 फिल्में रिलीज हुई। हालांकि एक साल के अंदर उनकी चारों फिल्म रिलीज होने के चलते लोगों में इस बात को लेकर कभी कंफ्यूजन रहती है कि आखिर इनमें से उनकी दूसरी फिल्म कौन सी थी। दोस्तों, रिलीज की तारीख के हिसाब से देखा जाए तो उनकी दूसरी फिल्म द गुरु थी, हालांकि इसमें उनकी कोई खास भूमिका नहीं थी। हिंदी भाषा में उनकी तीसरी फिल्म का शीर्षक सत्यकाम, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था, ये एक ड्रामा फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार और अशोक कुमार दिखाई दिए थे। दोस्तों, ये फिल्म नारायण थानियाल के एक बंगाली उपन्यास पर आधारित फिल्म थी जो इसी शीर्षक से बनी थी। इस फिल्म में दीना ने हरभजन की माँ के रूप में एक सहायक भूमिका निभाई थी। वैसे बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म औसत कमाई ही कर पाई, जबकि साल 1971 में इसने एक पुरस्कार भी जीता था। उसके बाद उनकी चौथी और पांचवी फिल्म के रूप में सात हिंदुस्तानी और सारा आकाश थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके चलते दीना के करियर को और ऊंचाई छूने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने नाटकों में अपने बोल्ड और दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता था, लेकिन जब 2 दशक बाद वो फिल्मों में वापस आईं, तब उन्हें सहायक भूमिका ही मिल रही थी, क्योंकि इस समय तक वो लगभग 50 वर्ष की आयु तक पहुंच चुकी थी। 70 के दशक में वो सच्चा झूठा, देवी, आपकी कसम, चरित्रहीन, मौसम, लगाम, पहेली, अनुरोध, चक्रव्यूह, खानदान और एहसास जैसी कई फिल्मों में नजर आईं, जिसमें से फिल्म मौसम उनके लिए काफी अच्छा रहा। इस फिल्म को गुलजार ने निर्देशित किया था। इसमें संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर के साथ वो भी दिखाई दी। इसमें उन्होंने गंगूरानी की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके अलावा इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते। फिल्म के हर एक कलाकार की उसके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की गई। इसके अलावा साल 1979 में आई फिल्म गोलमाल के लिए भी उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इस फिल्म में उन्होंने श्रीमती कमला श्रीवास्तव की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। दोस्तों, एक सहायक अभिनेत्री के रूप में उनका सफर यूं ही चलता रहा और एक बार फिर
साल 1980 में आई फिल्म खूबसूरत उनके लिए काफी अच्छी रही। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, जो एक कॉमेडी फिल्म थी। ये फिल्म अशोक कुमार और रेखा की अभिनीत फिल्म थी, जिसमें राकेश रोशन, शशिकला और ओम शिवपुरी ने अभिनय किया था। दीना ने इसमें निर्मला गुप्ता की भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्मफेयर अवार्ड का नामांकन प्राप्त हुआ। साल 1980 और 90 के दशक में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें स्टार, विजेता, हाथों की लकीरें, आईना, अंदाज, मैदानी जंग, सबसे बड़ा खिलाड़ी, याराना, सनम बेवफा और हिम्मत वाला जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसमें से सनम बेवफा जबरदस्त हिट फिल्म रही, जो साल 1991 में आई रिलीज हुई थी। इसमें दीना ने प्राण की मां की भूमिका निभाई थी। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल में भी अपना अहम योगदान दिया है, जैसे मालगुडी डेज, तहकीकात, जुनून और एक महल हो सपनों का। उनकी आखिरी फिल्म पिंजरा थी, जिसमें वो रहीम की चाची की भूमिका में नजर आई थी। हालांकि ये फिल्म उनके मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा उन्होंने करीब 120 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। दोस्तों, दीना पाठक का फिल्मी करियर जितना सुखद था, उनका निजी जीवन उतना ही संघर्ष भरा रहा। उन्होंने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास कपड़ा सिलने की दुकान चलाने वाले एक दर्जी से शादी किया था। वो उनके प्यार में इस कदर पड़ी कि उन्हें उनका सिर्फ सुंदर दिल दिखा, कारोबार और हालात नहीं। आगे चलकर दीना ने उनसे शादी कर लिया और उनका नाम बलदेव पाठक है। आपको बता दें कि वो कई अभिनेताओं के कपड़े डिजाइन करने का काम करते थे, जिनमें मुख्य रूप से दिलीप कुमार और राजेश खन्ना शामिल थे। लेकिन कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना के करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा था, तो उसके साथ ही बलदेव की आमदनी भी कम होने लगी थी और धीरे धीरे उनका कारोबार बंद हो गया था, जिसके चलते घर वालों की सारी जिम्मेदारी अकेले दीना के कंधे पर आ गई थी। दुर्भाग्यवश महज 52 साल की उम्र में उनके पति का निधन हो गया। दीना की दो बेटियां हैं और दोनों ही फिल्मों में अभिनय का काम कर चुकी हैं। दोनों ने अपनी माँ की तरह ही थिएटर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। खैर, उनकी बेटियों का नाम रत्ना पाठक शाह और सुप्रिया पाठक हैं, जो आज के समय में भी एक जानी मानी चेहरा हैं। रत्ना ने साल 1982 में मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह से शादी किया था। दोनों के तीन बच्चे हैं, विवान शाह, हिबा शाह और इमाद शाह, जिसमें से विवान और इमाद शाह एक जाने माने अभिनेता हैं, जबकि हिबा एक अभिनेत्री हैं और वो रत्ना पाठक की सौतेली बेटी हैं। साल 1982 में उनकी मां परवीन मुराद के निधन के बाद उनके पिता नसीरुद्दीन ने रत्ना से शादी किया था। वहीं पर सुप्रिया पाठक के पति का नाम पंकज कपूर है, जिससे उन्होंने साल 1988 में शादी किया था। उनके बच्चों का नाम सनहा कपूर और रूहान कपूर है। सनहा एक अभिनेत्री हैं और उनके पति का नाम मयंक पहवा है। आपको बता दें कि पंकज कपूर ने सुप्रिया से शादी करने के पहले नीलिमा अजीम से शादी किया था, लेकिन साल 1984 में दोनों का तलाक हो गया था और इन दोनों के बेटे का नाम शाहिद कपूर है, जो कि एक मशहूर अभिनेता हैं। दोस्तों, दीना के माता पिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनकी बहनों का नाम तरला मेहता और शांता गांधी है। बता दें कि शांता गांधी एक थिएटर निर्देशक के रूप में काम करती थी। साल 2002 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि उनके पति विक्टर केयर्नन एक मार्क्सवादी ब्रिटिश इतिहासकार थे, जिससे उनका रिश्ता महज 8 साल तक ही चला और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों, दीना पाठक एक जुझारू अभिनेत्री थी। उन्होंने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता, लेकिन दुर्भाग्यवश साल 2002 में 80 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। लेकिन अपने कामों से वो फिल्मी दुनिया में आज भी जिंदा हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही उनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।